Hello everyone, in this tutorial we will see some difference between linear and non-linear data structure. First is linear data structure. Linear naam se pata chal raha hai, ek line ki form mein. Isme jitne bhi humare elements hote hain structure mein, koi bhi node ya koi bhi element, previous element and next element se hi connected hai, in between koi bhi connection nahi hai. Take array as an example. अब नाउ अगर एरे में हम सिर्फ फोर्थ एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो फोर्थ एलिमेंट सिर्फ थर्ड एलिमेंट एंड फिफ्थ एलिमेंट से कनेक्टेड है. बीच में इसमें कोई भी कनेक्शन नहीं है. ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक एलिमेंट है जो यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है हमने. सेम वे अगर हम लिंक लिस्ट की बात करते हैं इसमें भी ऐसा ही है. यू कैन सी दिस सेकेंड एलिमेंट इज कनेक्टेड विद फर्स्ट एलिमेंट एंड थर्ड एलिमेंट ओनली. सो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स में आते हैं एरेज, स्टैक्स, क्यूज एंड लिंक लिस्ट. स्टैक्स एंड क्यूज क्यों आते हैं? बिकॉज उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग एरेज एंड लिंक लिस्ट. सो डेट इज़ वाई दीज आर पार्ट ऑफ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. नेक्स्ट इज नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. नॉन लीनियर का मतलब है जो एक लाइन की फॉर्म में नहीं है. डेट मीन्स देर आर मोर देन वन लेवल हायरार्की की फॉर्म में जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं. इसके अंदर आते हैं ग्राफ्स एंड ट्रीज. टेक दिस एन एग्जाम्पल. लाइक अगर हम सी नोड की बात कर रहे हैं सो इसके अंदर मोर देन टू एलिमेंट्स कनेक्ट कर रहे हैं. डेट मीन्स उसको हम एक लाइन की फॉर्म में ट्रावर्स नहीं कर सकते हैं. अगर मैं मान लो डी से स्टार्ट कर रही हूँ, डी टू सी, सी टू ए, बट हम बी तक नहीं जा पाएंगे. सो डेट इज़ वाई दीज आर नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. सेम वे ट्रीज के अंदर भी है, एक लाइन की फॉर्म में कभी भी नहीं होते हैं. इसमें मल्टीपल लेवल्स होते हैं, हायरार्की फॉर्म करते हैं. सो फ्रेंड्स, जब भी हम ग्राफ एंड ट्रीज की डेफिनेशन बुक में पढ़ते हैं या आप कहीं भी पढ़ते हो उसमें सबसे पहला वर्ड यूज होता है दीज आर नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. ओके, दिस इज द हायरार्कल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. नेक्स्ट हम देखेंगे क्या डिफरेंस है लीनियर एंड नॉन लीनियर. लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में सिक्वेंशियली हम कनेक्ट करते हैं, बट इन केस ऑफ नॉन लीनियर हायरार्कली कनेक्ट करते हैं सारे एलिमेंट्स को. अभी जो हमने एग्जाम्पल में देखा है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में सारे एलिमेंट्स हमारे एक सिंगल लेवल पर प्रेजेंट होते हैं, बट इन केस ऑफ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हम सारे एलिमेंट्स को मल्टीपल लेवल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. लेवल्स का कॉन्सेप्ट हमने ग्राफ में भी हम करेंगे और ट्रीज में भी करेंगे. लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करना ईजी है एज कम्पेयर टू नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. जब आप सारे डेटा स्ट्रक्चर पढ़ोगे देन यू कैन एनालाइज कि हम एरेज, क्यूज, लिंक लिस्ट को करना इजी है एज कम्पेयर टू नॉन लीनियर. क्योंकि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को हम एक सिंगल लेवल पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेट मीन्स उनको हम एक सिंगल राउंड में या एक सिंगल पास में ट्रावर्स कर सकते हैं. बट नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को आप एक सिंगल राउंड में पूरा ट्रावर्स नहीं कर सकते, उसमें हमें मल्टीपल राउंड की ज़रूरत होती है. ओके, दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. मेमोरी यूटिलाइजेशन इज मोर एफिशियंट इन केस ऑफ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एज कम्पेयर टू लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हम कहाँ यूज़ करते हैं उसको? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में. बट नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को हम यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इमेज प्रोसेसिंग में. जब हम आगे करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सब्जेक्ट, सो आप वहाँ देख सकते हो हम ग्राफ एंड ट्रीज को कैसे यूज़ करेंगे. सो फ्रेंड्स, ये था डिफरेंस बिटवीन लीनियर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. इस ट्यूटोरियल को बनाने का सिर्फ पर्पस ये था कि जहाँ भी आप ये दो टर्म्स पढ़ते हो, क्योंकि जितने भी आप डेफिनेशन पढ़ोगे डेटा स्ट्रक्चर में सब में ये टर्म्स यूज़ होती है, कि आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए कि ये टर्म्स हम क्यों यूज़ कर रहे हैं. थैंक यू एवरीवन.